नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नैनी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है इंटरव्यू के बारे में। अगर आप नैनी का कोर्स कर चुके हैं और अगर आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो है वो कर रहे हैं, तो आपसे इंटरव्यू में सिर्फ बच्चों के रिलेटेड ही सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो, और इसके अलावा बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। तो दोस्तों, जो तुसी भी नैनी इंटरव्यू दे लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप नो, वीज़ा दे लिए तुसी अप्लाई किया होया ते इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ इस दे विच तुहानू थोड़ी पर्सनल डिटेल, थोड़े इंप्लॉयर की पर्सनल डिटेल तो अलावा कुछ होर भी इस तरह के क्वेश्चनस ने जिहड़े कि तुहानू पूछे जा सकते हैं, जिवें कि थोड़े इंप्लॉयर का रहन सहन, तो आपके इंप्लॉयर का लिविंग स्टाइल, उनका खान पान, उनका कल्चर, उन्होंने कल्चर के विषय के बारे के थोड़े को पूछा जा सकता है, उन्होंने खान पीन बारे थोड़े को पूछा जा सकता है, वाइन बारे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो तुसी कैनेडा के लिए अप्लाई किया होया तो कैनेडा के ज़्यादातर जोड़े फ्रेंच लोग रेंदे ने वाइन का जोड़ा इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा करते हैं अपने खाने के भी और खाने तो बाद भी, तो थोड़ा वाइन दिया टाइप्स बारे पता होना चाहिए, तो हो इस तरह के ड्रिंक्स बारे या इस तरह के फूड्स बारे जोड़ा है थोनों पता होना चाहिए, जिस इंप्लॉयर दे तुसी जा रहे हो, जिस इंप्लॉयर को तुसी जॉब करन दे लई जा रहे हो, जिस इंप्लॉयर दे घर, क्योंकि उत्थे सिर्फ थोड़ी जिम्मेदारी बच्चों को संभालन की नहीं है, बल्कि इस तो अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी थोनों जी पता होनी चाहिए है, यानी कि बच्चों के अलावा आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में, और इसके साथ साथ अगर आपके इंप्लॉयर के पास कोई पेट है तो पेट अब कई तरह के हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपके एम्प्लॉयर के पास पेट हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास जो विदेशी लोग हैं उनके पास पेट्स होते ही होते हैं, तो उन्होंने विषय के बारे में भी थोड़ी जी है जानकारी होनी चाहिए है, तो उसके विषय में भी, पेट्स के विषय में भी, विषय के बारे में भी आपको पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर के पास अगर कोई पेट है तो उसका खान पीन, उसे कैसे मैनेज करना है उसके बारे में। तो पेट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कैट हो सकती है, हो सकता है कि आपने एम्प्लॉयर के घर में कोई कैट रखी हो, या फिर रैट हो, जो हाइब्रिड पेट्स होते हैं तो वो हो सकता है रखे, उनमें बर्ड्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स में जैसे कि हैन हो सकती है, या फिर पैरट्स हो सकते हैं, या फिर कोई इस तरह की स्पैरोज वगैरह जो है वो हो सकती है, जो आपके एम्प्लॉयर ने अपने घर पे रखी हो एज अ पेट, तो उसमें कैट भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर के घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और इसके अलावा उनका खान पान, उनका कल्चर, और इसके साथ साथ आपको उनके पेट्स के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आप उनके बच्चे के बारे में जानते हैं। तो पेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉग्स के विषय के बारे में, तो डॉग्स के विषय के विच असी इस वीडियो के विच गल करांगे, खास करके कैनेडा दे विच कुछ स्टेट्स दे विच कुछ खास प्रकार दियां ब्रीड्स जिहड़ियां ने वो बैन है। तो दोस्तों, कैनेडा में कुछ खास प्रकार की जो डॉग्स की ब्रीड्स हैं कुछ खास स्टेट्स में वो टोटली बैन है, आप उन ब्रीड्स को अपने घरों में नहीं रख सकते। तो वैसे तो बहुत सारे जो पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री हैं वहाँ पर कुछ, या फिर ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के जो डॉग्स की ब्रीड है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और अग्रेसिव जो है वो मानी गई हैं, यानी कि कुछ डॉग्स की ब्रीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो मानी जाती है, और इस तरह के डॉग्स जो है वो टोटली बैन है, यानी कि अपने घरों में आप वो नहीं रख सकते। तो अगर आप कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपने कनाडा के लिए जो है अप्लाई किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन स्टेट्स में, अगर आप जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं या जिस भी देश में आप जा रहे हैं, तो उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन से डॉग्स जो हैं वो बैन है। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि कनाडा में कौन से स्टेट्स में कौन से जो डॉग्स की ब्रीड्स हैं वो बैन है। तो सब तो पहला से शुरू करांगे जेडे के डॉग्स कनाडा दे विच प्रोहिबिटेड ने, यानी कि उन्होंने तुसी अपने घर दे विच नहीं रख सकते, तो वह है मैनिटोबा दे विच। सब तो पहला सी गल करिए, तो इस दे नाल ही विनीपैग दी जे सी गल करिए, तो विनीपैग दे विच कुछ खास तरह दी ब्रीड्स जेड़ियां ने उन्होंने लई स्पैसिफिक लैजिस्लेशन है,
खास कानून है कि तुसी उन्हां नूं अपने घरां दे विच जिहड़ा नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस दे विच प्योर अते मिक्सिस ब्रीड्स भी ने, विनीपैग दे विच जिहड़ियां कि बैन ने। तो उहनां दे विच सब तो पहला अमेरिकन पिटबुल टैरियर, अमेरिकन स्टैफोर्ड शायर टैरियर और स्टैफोर्ड शायर बुल टैरियर। तो ये जो ब्रीड्स हैं डॉग्स की, ये मैनिटोबा में टोटली, विनीपैग में टोटली बैन है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अमेरिकन पिटबुल टैरियर, अमेरिकन स्टैफोर्ड शायर टैरियर, स्टैफोर्ड शायर बुल टैरियर। तो ये तीनों जो है वो मैनिटोबा विनीपैग में बैन है। दूसरा स्टेट जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो है ऑन्टेरियो के बारे में। तो ऑन्टेरियो में कौन सी डॉग्स की जो ब्रीड्स हैं वो आप नहीं एज अ पेट अपने घरों में रख सकते, वो चार ब्रीड्स हैं। सबसे पहली है पिटबुल टैरियर, अमेरिकन पिटबुल टैरियर, अमेरिकन स्टैफोर्ड शायर टैरियर और स्टैफोर्ड शायर बुल टैरियर। तो ये चार ब्रीड्स जो है आप अपने घरों में नहीं रख सकते। इन डॉग्स को आप जो है इस पे जुर्माना हो सकता है आपको, और इसके लिए जो खास कानून है वो बनाए गए हैं। तो इन डॉग्स की ब्रीड को आप एज अ पेट अपने घरों में नहीं रख सकते। तो आपको अगर आपके एम्प्लॉयर जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिसके पास आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर की पूरी इंफॉर्मेशन और उसके पेट्स के बारे में भी पूरी जानकारी जो है वो होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर तुसी नैनी कोर्स कर चुके हो तो तुसी इंटरव्यू की प्रैपरेशन करन जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो तुसी इस दे लई 6.5 दिन का पैकेज जिहड़ा वो लै सकते हो। जो तुसी इंटरव्यू की प्रैपरेशन करना चाह रहे हो तो 6 दिन के पैकेज की जिहड़ी फीस है वह है मात्र 10,000 रुपए। तो इस दे लई तुसी साढ़े वट्सएप ते, साढ़े नाल सिर्फ वट्सएप ते ही संपर्क करो। साढ़ा वट्सएप नंबर है 9872468540 ते दूसरा नंबर है 9592649009। अते साड़ी वैबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो जे वीडियो अच्छी लगी होवे तो वीडियो नू लाइक करना, शेयर करना और साढ़े चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना। थैंक यू।